फैंस, दिस इज गौरांग फ्रॉम अपर बालकनी एंटरटेनमेंट और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मूवी बागी 3 का विथ अवर सिनेमा पार्टनर वाइड एंगल सिनेमाज अहमदाबाद। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारा FB पेज फॉलो नहीं किया है तो प्लीज अभी कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बात करते हैं बागी 3 की स्टोरी की। बागी सीरीज के फर्स्ट पार्ट में रॉनी यानी के टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाती है। वो दूसरे कंट्री में ट्रैवल करता है, एक बिल्डिंग में तैनात सारे गुंडों से लड़ता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। बागी सीरीज के सेकंड पार्ट में टाइगर श्रॉफ की बेटी किडनैप हो जाती है। वो पुलिस के टॉप ऑफिसर से लड़ता है, एक जंगल के अंदर तैनात उनके सारे गुंडों से लड़ता है, पूरा जंगल तहस नहस कर देता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। अब बात करते हैं बागी 3 की। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ का भाई यानी कि रितेश देशमुख किडनैप हो जाता है और उसको बचाने के लिए वो एक और कंट्री में ट्रैवल करता है। वहां पे जाके पूरी आर्मी, पूरी बटालियन, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, सारी चीजों को उल्टा पुल्टा करके उसको बचाने की कोशिश करता है। क्या वो बचा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी बागी 3। बात करते हैं बागी 3 के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। टाइगर श्रॉफ डेफिनेटली आज की तारीख में इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा एक्शन स्टार। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी एक्शन स्टार्स की तरह इनको स्टाइल या बैकग्राउंड म्यूजिक पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, ये रॉ एक्शन करते हैं। अगर कोई इनके नजदीक आ सकता है तो वो है विद्युत जामवाल, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी क्रेजी नहीं है जितनी टाइगर श्रॉफ की है। सो टाइगर श्रॉफ इज डेफिनेटली बिगेस्ट एक्शन स्टार ऑफ दिस कंट्री एज ऑन डेट। बागी सीरीज ने टाइगर श्रॉफ को सॉलिड रिकॉग्निशन दिया है। फर्स्ट पार्ट ने उनको एज एन एक्शन स्टार एस्टेब्लिश किया, सेकेंड पार्ट ने उनको क्रेजी फैन फॉलोइंग दी और अब थर्ड पार्ट उनके फैंस के लिए शाही दावत जैसा है। टाइगर श्रॉफ इज डूइंग एवरीथिंग विच अ फैन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज स्टार। टाइगर श्रॉफ इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन ऑल द सीक्वेंसेस, चाहे वो एक्शन हो, स्टाइल हो, एवरीथिंग। इस बंदे का क्रेज नहीं रुकने वाला है। एक्शन इन बागी 3। एक्शन मूवी लवर्स का एक अलग ही क्लास होता है, स्पेसिफिकली इन स्मॉल टाउन्स। वो इन मूवीज में लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, सिर्फ एंजॉय करते हैं और ऐसी ही ऑडियंसेस के लिए बनाई गई है बागी 3। बागी 3 की जो टारगेट ऑडियंस है वो ये मूवी पूरे तरीके से एंजॉय करेगी। पूरा सिनेमा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज उठेगा। बागी 3 का एक्शन इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के टैलेंट को यूज करके इसके एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन किए गए हैं और जितने स्टाइलाइज्ड वे में ये एक्शन सीक्वेंसेस पर्दे पे उभर के आते हैं, फैंस आर गोइंग टू गो क्रेजी। क्लाइमेक्स ऑफ बागी 3 इज सुप्रीमली एंटरटेनिंग। बहुत खर्चा किया है और जाइजेंटिक वे में शूट किया है। मशीन गन्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, हैंड टू हैंड फाइट, लेग टू लेग फाइट, एवरीथिंग इज देयर। इंटरवल पॉइंट ऑफ बागी 3 इज सो हुकिंग, ऐसी जगह पे लाके ऑडियंस को छोड़ देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये 5 मिनट खत्म क्यों नहीं होते हैं। श्रद्धा कपूर का रोल बागी 3 में बहुत ही एवरेज है, उनके हिस्से ज्यादा कुछ करने को आया नहीं है। फर्स्ट बागी में उनका रोल इससे कहीं ज्यादा अच्छा था। क्या ये बताने की जरूरत है कि रितेश देशमुख कितने टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा ही गड़बड़ वाला सीन हुआ है, उनके हिस्से भी कुछ ज्यादा आया नहीं है। हाँ, एक दो इमोशनल सीन्स है जिसमें उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने उनको सिर्फ रॉनी रॉनी चिल्लाने के लिए ही कास्ट किया है। अहमद खान का डायरेक्शन भी एवरेज कैटेगरी में ही रखा जा सकता है। जहां तक एक्शन सीन्स का सवाल है, उन्होंने अपना जलवा बखूबी दिखाया है, लेकिन ओवरऑल स्क्रीन प्ले और इमोशनल सीन्स की बात करें तो उनकी पकड़ थोड़ी ढीली रही है। वैसे एक्शन मूवीज में म्यूजिक की इतनी जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन बॉलीवुड की एक कंप्लीट पैकेज मूवी बनाने के लिए म्यूजिक आज भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बागी 3 में वो म्यूजिक काफी एवरेज है। दिशा पटनी वाला गाना मिस मत करना। बागी 3 का एक मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट है उसकी स्टोरी,
जहाँ पे बागी 2 की स्टोरी जो थी वो बहुत ही सस्पेंसफुल थी, थ्रिलिंग थी, काफ़ी सारे ट्विस्ट्स थे और उसके साथ एक्शन को मिलाया गया था। यहाँ पे एक्शन भरपूर है लेकिन स्टोरी काफ़ी फीकी है, दो लाइन में पूरी स्टोरी कही जा सके उतनी ही स्टोरी है। वन मोर एस्पेक्ट वेयर बागी 3 फॉल्स फ्लैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ सपोर्टिंग एक्टर्स। बागी 2 में आपको याद है रणदीप हुडा थे, मनोज वाजपेयी थे और उन दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था। दीपक डोबरियाल भी थे और उन्होंने भी अपने रोल में काफ़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखाया था। लेकिन यहाँ पे विजय वर्मा, जयदीप अहलावत, रितेश देशमुख जैसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स होने के बावजूद भी उनको यूटिलाइज किया ही नहीं गया है और एक स्ट्रॉन्ग विलन जो पहले दोनों पार्ट में था वो मिसिंग है। तो बस अपर बालकनी एंटरटेनमेंट देता है बागी 3 को 3 टिकट्स आउट ऑफ 5, क्योंकि अगर आप एक्शन मूवी लवर है तो ये मूवी तो देखनी बनती ही है। बुक कीजिए आपके टिकट्स हमारे सिनेमा पार्टनर वाइड एंगल सिनेमाज अहमदाबाद में और होली की छुट्टियों में ये मूवी जरूर देख के आइए। सारे एक्शन मूवी लवर्स के लिए ये मूवी बिग बिग बोनांजा है। अपर बालकनी की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे फैमिली को होली की ढेर सारी बधाइयां। प्ले हार्ड, बी सेफ, बहुत जल्द लौटेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।